हेलो फ्रेंड, द ब्लू स्काई स्टडी के एमसीक्यू सेक्शन में आपका स्वागत है। आज के प्रश्नों को देखते हैं किस रूप में शामिल किया गया है। तो पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े हैं? पहला ऑप्शन है के आर नारायणन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है वी वी गिरी, ऑप्शन डी है एन संजीव रेड्डी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वी वी गिरी है। वी वी गिरी 1969 से लेकर 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये चौथे राष्ट्रपति भारत के रहे हैं जो दो बार ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बने हैं। के आर नारायणन 10वें राष्ट्रपति हमारे हैं, भारत के 10वें राष्ट्रपति है, जो 1997 से 2002 तक रहे हैं। जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं, थर्ड राष्ट्रपति, जो 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति रहे हैं। फिर ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। और तीसरे राष्ट्रपति, फिर संजीव रेड्डी हमारे चौथे राष्ट्रपति रहे हैं, सॉरी सिक्स्थ राष्ट्रपति हैं भारत के, छठे नंबर के, जो 1977 से 82 तक राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अर्थात कहने का अर्थ है, थोक मूल्य सूचकांक WPI, मूल सूचकांक प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, औद्योगिक हो गया IIPA। तो इसमें सही उत्तर होगा, सबसे प्रचलित माप के रूप में सबसे अधिक है थोक मूल्य सूचकांक। हालांकि वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 2014 से RBI ने माना है, लागू किया RBI 2014 से, पर लेकिन सबसे प्रचलित माप के रूप में थोक मूल्य सूचकांक को लिया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक क्यों सबसे प्रचलित, इस संबंध में देखते हैं। इसका संकलन सबसे पहले उद्योग मंत्रालय करता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा साप्ताहिक स्तर पर होता था। ये फर्स्ट थोक मूल्य सूचकांक 10 जनवरी 1942 से ही हमारे मुद्रास्फीति आकलन का एक रूप रहा है, जिसका आधार वर्ष 1939 लिया गया था। पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है 2014 से हमारे मुद्रास्फीति सूचकांक में शामिल किया गया। हालांकि वर्तमान मूल्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है, और औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का भी यही आधार वर्ष है 2012। ठीक है, थोड़ा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो वर्तमान में लिया गया है इसको, तो इसके संबंध में देखते हैं क्या है। यह CPI जो है, ये सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा के CSO द्वारा निर्धारित किया जाता है, और RBI ने इसे 2014 अप्रैल 2014 से मुद्रास्फीति के प्रमुख मापक के रूप में शामिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, मिट्टी के घड़े में निम्न किस प्रक्रिया कारण जल ठंडा रहता है? जो जल होता है वो ठंडा होता है। ऑप्शन पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा ऑप्शन वापसीकरण, ऑप्शन सी द्रवण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वापसीकरण होगा। क्यों?
वाष्पीकरण द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव वाष्प में बदलता है, उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो घड़े में रखे जल से ही उसे प्राप्त हो जाता है, और जो घड़े में छिद्र होते हैं उससे धीरे धीरे वाष्पीकरण की प्रक्रिया कार्यरत होती है, जिसके कारण वह जल ठंडा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, चौथा नंबर प्रश्न। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित कौन सा तत्व होता है? जो पर्णहरित क्लोरो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित क्लोरोफिल की चर्चा आती है, उसमें कौन सा तत्व होता है? मैग्नीज, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम पर्णहरित में मौजूद होता है। इस क्लोरोफिल का दो रूप होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। और क्लोरोफिल ए का सूत्र होता है, ए का सूत्र होता है C15, H72, O5 और N4Mg। और क्लोरोफिल बी का फुल फॉर्म होता है, यानी सूत्र जो होता है C15 H70 N4 और Mg। दोनों ही रूपों में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के रूप में सह उत्पाद के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो इस बार बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था इस वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पांचवा नंबर प्रश्न। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा, कनिष्क का जो सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा जो था, उसमें अभिलेख में तिथि अंकित है। कौन सा तिथि अंकित है? 78 ईस्वी, 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन और 120 ईस्वी सन है। तो इसका सही उत्तर होगा 81 ईस्वी सन। यह अभिलेख बौद्ध धर्म के तत्कालीन अवस्था से जुड़े तत्वों पर प्रकाश डाला। उस समय जो 81 ईस्वी या उससे पूर्व के जो बौद्ध धर्म में प्रचलित मान्यताएं थी, उसका विकास का उसके संबंध में तथ्य देता, हमें बौद्ध धर्म की जानकारी देता है। इस बौद्ध धर्म प्रतिमा अभिलेख को मथुरा से लाकर कनिष्क ने राज्यारोहण 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष यानी सारनाथ में स्थापित किया। 78 ईस्वी कनिष्क का राज्यारोहण का वर्ष है। इस वर्ष वो गद्दी पर बैठता है। उसके 3 वर्ष बाद 81 ईस्वी वर्ष में, 3 वर्ष बाद ही इसे मथुरा से लाकर सारनाथ में स्थापित करता है। कनिष्क की दो राजधानियां थी, कनिष्क साम्राज्य की दो राजधानियां थी। एक पुरुषपुर जो पेशावर के करीब है, वर्तमान पाकिस्तान, और एक था मथुरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न। औरंगजेब ने किसको साहिबात उस जमानी की उपाधि दी थी? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए जहां जहानारा, ऑप्शन बी गोहरा बेगम, ऑप्शन सी अमीन खान, ऑप्शन डी रोशन आरा। तो इसका सही उत्तर होगा जहां आरा। जहां आरा मुमताज शाहजहां और मुमताज महल जो उनकी बीवी थी, उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, और उत्तराधिकारी युद्ध में ये शामिल थे। औरंगजेब अपने शासन प्राप्ति के लिए उत्तराधिकारी युद्ध करता है, जिसमें इसके सभी भाई शामिल थे। एक था
दारा सिको, दूसरा शाह शुजा एसएस, मुराद था शामिल और स्वे औरंगजेब था। जो दारा सिको था वो औरंगजेब का सबसे प्रिय था, शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था। इसे अपने पास ही रखता था वो, इतना प्रेम करता था उससे। और इसे दारा सिको को उसने अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दारा सिको को राजधानी में रखता था वो शाहजहां, इसलिए उसे कोई सूबा नहीं मिला। राजधानी में उत्तराधिकारी के रूप में वो रहता था। शाह शुजा बंगाल का गवर्नर था, या बंगाल का सूबा उसे दिया गया था। मुराद को गुजरात का सूबा और औरंगजेब को दक्कन का सूबा प्राप्त था। इस उत्तराधिकारी युग में औरंगजेब जीतता है और अपने गद्दी पर, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, क्या है ट्राइसेम? TRYSEM। बहुत ही चर्चा में रहता है हमेशा एग्जाम के दृष्टि से। ट्राइसेम क्या है? शहरी विकास है, ग्रामीण विकास है, सुरक्षात्मक तैयारियां है, औद्योगिक विकास है, क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास। क्योंकि यह अगस्त 1979 ट्राइसम योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में आरंभ हुआ था। यह 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत के रूप में शुरुआत की गई थी, जिसे 1999 में स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम या स्वरोजगार यो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो था उसमें शामिल कर लिया गया। यह योजना ट्राइसेम योजना जो था वो रोलिंग प्लान के तहत लाया गया था। रोलिंग प्लान कब आया था? रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच 3 वर्ष के लिए था। प्रत्येक वर्ष एक एक नया योजना तैयार किया जाता था, उसी के दौरान ट्राइसेम को लाया गया। अगला प्रश्न है विजन 2024 इंडिया दस्तावेज संबंधित है, किनसे संबंधित है? विजन 2024 इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से, औद्योगिक विकास से, कृषि विकास से, या गरीबी उन्मूलन से? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गरीबी उन्मूलन होगा। ये विजन 2020 एसपी गुप्ता गुप्ता द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है, जो भारत को वर्ष 2020 तक गरीबी उन्मूलन से संबंधित लक्ष्य को निर्धारित कराता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार जो था का संबंध निम्न में से किस कथनों में से कौन सा सही है? सूचना का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, एक राजनीतिक अधिकार है, एक सामाजिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु ये 19 आर्टिकल 19 ए के तहत ही अंगीकृत है या अंतर्निहित होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 12 अक्टूबर 2005 से, जो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष राज्यों के लिए लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर भी लागू है। तो ये भी प्रश्न के रूप में आ सकता है। सूचना का अधिकार हाल ही में किस राज्य में
लागू हुआ, तो जम्मू कश्मीर भी हो सकता है इसका आंसर के रूप में आ सकता है प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 10वां नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ किया जाएगा? एक गुजरात से महाराष्ट्र सीमा, ऑप्शन बी पंजाब से जम्मू कश्मीर सीमा, ऑप्शन सी गुजरात से दिल्ली सीमा, और ऑप्शन डी कर्नाटक से तमिलनाडु सीमा। तो इसका सही उत्तर गुजरात से दिल्ली सीमा होगा, ऑप्शन सी। यह कुल 1400 किलोमीटर का लंबा होगा, लंबाई इसकी होगी, चौड़ाई इसकी होगी 5 किलोमीटर, एक पट्टी के रूप में, अर्थात ऐसे कह सकते हैं जो इसमें सारा पेड़ रोपा रह जाएगा, पौधा रोपा जाएगा, जैसे हाईवे बनता है उसी टाइप का ये रहेगा। यह पर गुजरात के पोरबंदर से और दिल्ली सीमा रोहतक तक होगा, जिसमें 3 राज्य शामिल हो जाते हैं, जैसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया में कौन कौन से राज्य शामिल है? गुजरात शामिल हो गया, हरियाणा एक शामिल हो जाएगा, रोहतक तक है और दिल्ली सीमा तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी इससे संबंधित तो कुछ तथ्य और है। यह जो ग्रीन वॉल जो कॉन्सेप्ट है, यह अफ्रीकी कंट्री जबूती और सेनेगल के बीच, एक हरी पट्टी का निर्माण किया गया था, उसी के तर्ज पर यह ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। देश में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही यह स्टैंड मार्क बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। पर्यावरण संरक्षण के लिए लॉन्च मोबाइल ऐप एम हरियाली किस मंत्रालय की पहल है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन डी पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका सही उत्तर होगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। प्रारंभ किया गया है इस ऐप के द्वारा जो भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उसके निदान के लिए, इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन के रूप में उनके बीच जागरूकता फैले, उसके लिए किसी पौधे को रोपकर वो सेल्फी खींचकर इस मंत्रालय के वेबसाइट पर भेज सकते हैं, जिनका फोटो वहाँ पर हमेशा के लिए होगा। यह ऐप जो पौधों का स्वतः जियो टैग करता है, जियो टैग करता है। कभी प्रश्न में प्रश्न पूछ सकता है क्या जियो टैगिंग करने वाला ऐप कौन सा है? तो एम हरियाली। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12। सरकारी जेम किस बैंक के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर यानी MOU साइन किया है? MOU साइन किया है, पहला ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के लिए। तो जेम के संबंध में कुछ देखते हैं, जेम क्या है। जेम
को लॉन्च 9 अगस्त 2016 को किया गया था, लेकिन यह 2017 से रूल 149 के तहत कार्य कर रहा है, जो इसके वाणिज्य मंत्रालय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के रूल्स के तहत कार्य कर रहा है। ये गुड्स एंड सर्विस का ऑनलाइन खरीद ये करता है। भारत सरकार के सभी राज्य स्तर के जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा, इनमें ये उत्तर प्रदेश, ये एक बात और, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र जो हैं सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाले राज्य हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन बी, 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर यह 2012 से प्रस्तावित चिन्हित किया गया है कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो बालिकाओं से संबंधित समस्याओं, उसके उत्थान, उनके सशक्तिकरण से संबंधित जागरूकता के रूप में कार्य करेगा, उसके लिए कार्य करेगा। इस वर्ष 2019 का थीम क्या है? ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछा जाता है थीम, तो इस वर्ष का थीम है गर्ल्स फोर्स अनक्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल को थीम के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर भोपाल होगा, ऑप्शन ए भोपाल। केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय और भोपाल नगर निगम के द्वारा संयुक्त प्रयास है, ये संयुक्त प्रयास है, संयुक्त प्रयास के रूप में प्रारंभ किया गया है, जो ई वेस्ट का कचरा जो होता है उसके अलग निष्पादन के लिए क्लिनिक के तौर पर इसे बनाया गया है। इससे पूर्व ई वेस्ट कचरा का प्रबंधन जो दैनिक कचरा उसी के तहत किया जाता था, लेकिन अब भारत में भोपाल में जो ई वेस्ट क्लिनिक बनाया गया इसका अलग अलग निष्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है सॉरी अगला प्रश्न है वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था, यानी इसको कहा जाता है ग्लोबल ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक कितना है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है 58, 59, 68, 78। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 68 है। ये 2018 में इसका रैंक 58 था, पर 2019 में 68 हो गया है, हालिया जो आंकड़ा आए हैं उसके तहत 68। 10 पायदान का कमी हुआ है, ये प्रश्न में पूछा जाता कितने पायदान की कमी हुई है, 10 पायदान का। इसे जारी कौन करता है ये भी पूछता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, कब से जारी कर रहा है ये भी पूछा जा सकता है। ये जारी कर रहा है 179 से, 1979 से जारी करता है, प्रथम बार ये जारी उस समय हुआ था। और इस साल टॉप में कौन कौन है ये पूछा जा सकता है इसमें से, इंडेक्स से। तो एक में है सिंगापुर, दूसरा में हो गया यूएसए जो घट के इस साल दूसरे नंबर पर आ गया है, तीसरा में हांगकांग है, और चौथा में हो गया आपको नीदरलैंड, नीदरलैंड ठीक है। ब्रिक्स देशों में भी देख लेते हैं क्या है स्थिति भारत की। तो ब्रिक्स देशों में भारत और इंडिया और ब्राज़ील संयुक्त रूप से दोनों ही निचले पायदान पर है,
निचले पायदान पर, सबसे लास्ट पायदान पर है ब्राजील प्लस भारत। पर हमारे पड़ोसी ग्रुप में देखते हैं कौन कौन से हैं, रैंक में कितने स्थान है। तो 84 श्रीलंका है, फिर 105 रैंक बांग्लादेश का है, 108 नेपाल का, और 101 110 110 पाकिस्तान का है। पाकिस्तान इससे इतना ही आवश्यक है पीटी के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही बहुत होता है। भारत के संदर्भ में ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। ग्रीन पटाखों के निर्माण में किस संस्था की भूमिका है? यानी जो भी भारत में प्रदूषण के रूप में ग्रीन पटाखों, प्रदूषण को रोकने के, ग्रीन पटाखों को बढ़ावा के लिए बातें की जा रही है, उसके तो ग्रीन पटाखों का निर्माण जो किया जा रहा है, किस संस्था ने सहयोग किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ऑप्शन है सी डेक, इसरो, CSIR, DRDO। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, CSIR। CSIR द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के रूप में जाना जाता है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तहत कार्य करता है। ये ग्रीन पटाखों से उपयोग से 30% वर्तमान में जो भी प्रदूषण का स्तर है उससे 30% की कमी आएगी। जो पटाखों के तहत तो प्रदूषण फैलता है उसमें 30% की कमी आएगी। इसमें इस ग्रीन पटाखों में बेरियम, इस ग्रीन पटाखों में बेरियम नाइट्रेट की मात्रा कम है, की मात्रा कम है, आप पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा सकता है, ग्रीन पटाखों में किस रसायन का उपयोग किया है? पोटेशियम नाइट्रेट का। इसके साथ एक बातें और भी इसमें अहम है, इसमें QR कोड उपयोग किया गया है, जिसके तहत QR कोड स्कैन करने पर इसमें जितने भी रसायन उपयोग किए गए हैं, रासायनिक तत्व, उसको व्यक्ति स्वयं देख सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किनका 162वां जन्मदिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन VD सावरकर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा जी कृष्ण वर्मा, और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी। इनका ही इस वर्ष 162वां जन्म दिवस मनाया गया, क्योंकि इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को हुआ। 1857 क्रांति के दौरान ही इनका जन्म हुआ है, उनके बाद, और इनकी मृत्यु हुआ है, इनकी मृत्यु 1930 में हुई है। तो 162वां वर्ष इनका मनाया गया है जन्मदिवस। और देखते हैं ऊपर, BD सावरकर का जन्म हुआ है 1883 में, मृत्यु 1966 में। 136वां इनका जन्मदिवस हुआ इस साल। बाल गंगाधर तिलक 1856 में, 1856 में, और इनका 163वां जन्मदिवस मनाया गया। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था, इसलिए इनका हो गया 194 जन्मदिवस इस साल मनाया गया। तो ये भी पूछ सकता है, तो ऑप्शन में आप VD सावरकर को ले लिए। जो भी महत्वपूर्ण हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लोग शामिल हैं, उनके जन्म दिवस किस इस साल कौन कितना का मनाया गया वो देख लीजिएगा एक बार। तो जैसे VD सावरकर का 136वां है, बाल गंगाधर तिलक 163, 162, श्याम जी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी 1994। तो इसी तरह जैसे सुभाष चंद्र बोस का
आदि जो भी महत्वपूर्ण है उन सब का एक बार एक नज़र आप देख लें। एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इस साल अगले 2-3 सालों से इसी रूप में मनाया जा रहा है। अगला 18वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कपास दिवस 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है रियो डी जनेरियो, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी ढाका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जेनेवा होगा, ऑप्शन बी जेनेवा होगा। 7 से 8 अक्टूबर, 7 से 11 अक्टूबर 19 को आयोजन किया गया, 19 में इसका आयोजन किया गया जेनेवा में। भारत का प्रतिनिधि कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किए, और आयोजन जो था संयुक्त संस्था कौन कौन था, किसने करवाया? तो FAO पहला संस्था था, दूसरा अंग कटाक था, UNCTAD अंग टाड, तीसरा था ITC और चौथा संस्था था ICAC। तो हो सकता है इस संस्था के बारे में भी पूछ ले, तो इसके एक नज़र देख लीजिएगा। FAO संस्था UNO की, द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसको। अंटार्ट को द यूनियन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहते हैं, और ITC हो गया द इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स को कहा जाता है, और ICAC द इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी एंड कमिटी जो कपड़ा कपास उद्योग के विकास के लिए कार्य करती है, विश्व में सभी कपास जो क्षेत्र हैं उसके विकास के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, ट्रांस फैट फ्री लोगों का संबंध है, अर्थात जो लोगो है किससे संबंधित है, लोगो जो होता है वो किससे संबंधित है? उद्योग से, खेल से, पर्यटन से, स्वास्थ्य से? तो इसका सही उत्तर स्वास्थ्य है, ऑप्शन डी लोगो। पर एक बात ध्यान रखें, प्रश्न में अगर ट्रांस फैट ही केवल पूछे, ट्रांस फैट किससे संबंधित है, तो उद्योग, खेल और स्वास्थ्य तीनों से संबंधित है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ट्रांस फैट एक वसा का अवकृत रूप है, अरे खराब वसा को ही ट्रांस फैट कहा जाता है। तो उद्योग में जो इंडस्ट्रियल है जैसे चिप्स हुआ, उस सब में उपयोग ट्रांस फैट का किया जाता है। अब खेल में कुछ तत्व पदार्थ ऐसे उपयोग में जो लोग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं उसमें भी ट्रांस फैट आ जाएगा, स्वास्थ्य में तो होगा ही। अगर बिहार जैसे एग्जाम में ट्रांस फैट के संबंध में पूछे तो ये सब होगा, नहीं तो अगर लोगों के संबंध में केवल पूछता है तो स्वास्थ्य होगा। थोड़ा सा ट्रांस फैट के बारे में देख लेते हैं लोगों के संबंध में क्या है। तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जो वर्तमान में हैं, तो नई दिल्ली में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय सेफ सम्मेलन हुआ था, सेफ लोगों का, जो खाना रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले सेफ होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सेफ सम्मेलन हुआ था। तो FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांस फैट फ्री लोगो इसी इसी के तहत लागू जारी किया गया है। ट्रांस फैट एक्चुअली आप खराब वसा का खराब रूप जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है उसे कहा जाता है। भारत सरकार ने 2022 तक खाद्य पदार्थों से पूर्ण समाप्ति की लक्ष्य रखा है। खाद्य पदार्थ पूर्ण समाप्ति का लक्ष्य रखा है, लेकिन FSSAI वर्ष 2022 तक औद्योगिक निर्माण
औद्योगिक निर्माण जो किया जाता है, जैसे आप चिप्स खाते हैं, अन्न इस प्रकार के जो चटकदार स्वाद देते हैं, उसमें ट्रांसफेट का भी उपयोग होता है। उसका चरणबद्ध तरीके से 2022 तक 2% के स्तर तक लाना है, लाने का लक्ष्य रखा है। तो प्रश्न पूछ सकता है, इसमें दो प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का लक्ष्य कब तक निर्धारित है, किस चीज से, किस रूप में निर्धारित किया, और FSSI ने किस रूप में, कितने स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा है। अंतिम इस सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन 20 क्या है, क्वेश्चन 20 क्या है। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है शशि थरूर, दूसरा वरुण ग्रोवर, तीसरा विक्रम सेठ, और तीसरा चौथा ऑप्शन है फकीर हसन। तो इसका सही उत्तर आपको फकीर हसन होंगे, फकीर हसन ऑप्शन डी। थोड़ा सा इसके संबंध में देखते हैं कि इस साल महात्मा गांधी के 150वां जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो विभिन्न राष्ट्रों में, इस भारत सहित विभिन्न राष्ट्रों में इनके संबंध में किए गए कार्यों को बढ़ा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। सरकार तो कर रही है, पर व्यक्ति भी कर रहा है। तो फकीर हसन जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने अपना 150 पेज का एक छोटा किताब लिखे हैं, जिनका विमोचन किया गया है, जिनका शीर्षक है 150 ईयर सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी। ये सब जो पुस्तकों का नाम है, करंट से संबंधित जो पुस्तक है, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इससे संबंधित जो भी PDF है, वो हमारे टेलीग्राम द ब्लू स्काई स्टडी, द ब्लू स्काई स्टडी के टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगले सेशन तक आपका धन्यवाद।